और फाइनली भाई पहुंच गया हूँ निश्चय भैया के घर पे। और ये जो पीछे देख रहे हो ना तुम लोग, यही है फुकरा इंसान भाई का घर। और हेलो गाइस, मेरा भाई तो यहीं पर बैठा है ना आराम से। तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे और एक नए फ्रेश ब्लॉग पे। आज हम जाने वाले हैं फुकरा इंसान भाई और टिकट इंसान भाई के घर पे, देखते हैं क्या सीन होता है, हमें वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको फुल ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो चलो लेट्स गो। और अभी मैं रेडी होकर निकल गया हूँ, देखते हैं फुकरा भाई या टिकट भाई हमें मिलते हैं या नहीं। चलो फटाफट चलते हैं उनके लोकेशन पे। तो ये हमने पकड़ लिया अभी मेट्रो, और कुछ टाइम रुकने के बाद हमारा मेट्रो फाइनली आ जाता है। भाई बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, नर्वस है मेरे को बहुत ही ज्यादा। और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ प्रीतमपुरा के लिए, बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है मेरे को भाई। तो गाइस हम फाइनली उतर चुके हैं अभी प्रीतमपुरा मेट्रो स्टेशन। देखो यहाँ पे अभी मैं उतरा और अभी जाना है डायरेक्ट निश्चय भैया के घर। देखते हैं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई, अगर लग रहा तो मिल जाएंगे, अगर नहीं लग रहा तो फिर वापसी आना पड़ेगा हमें। देखते हैं क्या होता है। भीड़ देखो भाई तुम लोग एक बार, कितनी ज्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पर। अकेले ही निकल चुका हूँ भाई यहाँ पर, बिना किसी सारे के, ना किसी दोस्त को लिया ना किसी को, कोई दोस्त वगैरह है भी नहीं दिल्ली में मेरे, और अकेले ही निकल चुका हूँ। रास्ता देखो कितना सुहाना मौसम हुआ है दिल्ली का, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पैदल ही चलूंगा यहाँ से, 1.5-2 किलोमीटर है, चलते हैं वहाँ पे। पैदल चलते चलते 15-20 मिनट हो गए भाई, अभी भी 500 मीटर दूर है, थक गया हूँ भाई, अभी और चलना पड़ेगा हमें। और फाइनली भाई पहुँच गया हूँ निश्चय भैया के घर पे, और यहाँ पर एड्रेस तो रिवील नहीं करूंगा, पर अंदर पे जाने देगा कि नहीं जाने देगा, बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है। देखो ये जगह रहा और ये रहा अपार्टमेंट, जो अपार्टमेंट में हमें जाना है, ये वाला अपार्टमेंट देख रहे हो आप लोग, इसी में जाना है। देखते हैं गार्ड भैया जाने देते हैं कि नहीं देते, बहुत ज्यादा डर लगा इंसान मेरे हाथ से, मुझे देखो मेरे हाथ से पसीना छूट रहा है, मेरे हाथों से इतना ज्यादा डर लग रहा है। जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे भाई, बहुत डर लग रहा है। चलो पूछ के देखते हैं एक बार, जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं बस जाके खाली फोटो खींच के चल लेते हैं। अब आप घर पे ना, मैं आप घर पे किसी को भेज दूं, ताला बंद करो ताला। हाँ आपके घर पे मैं किसी को भेज दूं, आपका ताला बंद हो तो मैं। और अभी मैं खड़ा हूँ सोसाइटी के गेट पे, और वो जो ऊपर छत देख रहे हो ना तुम लोग, वही है टिकट इंसान भाई का घर। और यहाँ से करीबन भाई 2 मिनट की रास्ता होगा, पर अंदर फिर भी नहीं जाने दिया जाए। जो गार्ड अंकल थे उन्होंने जाने ही नहीं दिया मेरे को अंदर, कह रहे कि नहीं भाई ये मना किया है उनने, और वो लोग गुड़गांव गए अपने न्यू वाले जो हाउस है ना उनका, वहाँ पे गए, पर मेरे को अंदर जाने ही नहीं दिया। देखते कितना टाइम रुकता हूँ मैं यहाँ पे, अजीब लग रहा है भाई, प्यास भी लग रहा, थोड़ा पानी वगैरह खरीद के पी लूँ, देखता हूँ रुकूंगा कुछ देर। आप लोगों ने ज्यादातर वीडियो में ये देखा ही होगा कि यहाँ पर नीचे भी वीडियो बनाते हैं। पानी खरीद लिया पीछे वाले दुकान से, पानी खरीद लिया जहाँ से भाई फुकरा इंसान ने भी खरीदा हुआ कभी अपने टाइम पे। बहुत अजीब लग रहा है भाई, जाने नहीं दे रहे हैं, देखे क्या होता है। गार्ड अंकल को इतना रिक्वेस्ट किया फिर भी जाने नहीं दे रहे, कह रहे कि उनका शिफ्टिंग हो रहा है, तुम जाके घर का वीडियो बना लोगे, ये बना के डाल दोगे बिना परमिशन के। पर मैं ये वीडियो घर का बनाता ही नहीं, मैं जाता बस फोटो खींच के चला आता, पर जाने नहीं दे रहे भाई, पता नहीं वेट करके देखो, जाने देखते तो देंगे नहीं तो फिर घर चला जाऊंगा। और अभी भाई कैसे भी करके अंदर आ गया हूँ पीछे के साइड से रास्ते से, तुम लोग के लिए भाई कितना कर रहा हूँ देखो, साइड से आ गया हूँ रास्ते से, और सामने एक अंकल है इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ, उनको शक ना हो जाए कि मैं अदर पर्सन हूँ, मतलब यहाँ का सोसाइटी का नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट करो, देखता हूँ ट्राई करूँगा अंदर जाने का। और ये जो पीछे देख रहे हो ना तुम लोग, यही है फुकरा इंसान भाई का घर, और पीछे एक अंकल इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बैक कैमरा से करके तुमको, देखो जो पीछे देख रहे हो ना छत, वही वाला छत है। मेरे को अंदर जाने नहीं दिया है, मैं सोसाइटी के बैक एरिया में घूम रहा हूँ। तुम लोग ज़्यादातर देखोगे कि फुकरा इंसान भाई यहीं पर कुछ कुछ वीडियो अपने रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और अभी सोसाइटी के बाहर ही घूम रहा हूँ, पता नहीं अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, कुछ पता है नहीं, अभी बाहर ही घूम रहा हूँ ना, मेरे को डर भी लग रहा है ना अगर बाई चांस अंदर भी चला गया मैं, ठीक है। और उसके बाद गार्ड अंकल ने पकड़ लिया, बोलेंगे भाई चोर है, या फिर पुलिस कंप्लेंट हो जाए मेरे खिलाफ, ये चोर वोर है। और क्या आज लक मेरा साथ देगा, और मैं क्या मिल पाऊंगा निश्चय भाई से, या फिर इंसान भाई से मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ, देखता हूँ लक क्या काम करता है मेरा यहाँ पर। क्योंकि भाई देखो कोलकाता में मैं रहता हूँ बेसिकली, और अब मेरे को घर जाना है खुद ही कोलकाता दिल्ली से होके, तो ड्राइव में ही बेस्ट की मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, देखते हैं क्या चीज़ें होती है। और फुकरा भाई के वीडियो में तुम लोगों ने देखा ज़्यादातर यहाँ पर शूट करते हैं फुकरा भाई अपनी वीडियो, बहुत सारी वीडियो में तुमने लोगों ने देखा होगा। मेरे साथ एक गेम खेलोगे अगर मैंने तुम्हें हंसाया, तुम लोगों को 50 रुपए दोगे। और ये एक बेकरी का दुकान है जिसमें फुकरा भाई ने एक सीन शूट किया था। पता चल गया था कि सिर्फ कुछ चीजों को ट्रेड करके मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आई हैड टू स्ट्रेटजी। होगा कि यहाँ पर फुकरा इंसान भाई आते हैं और कुछ कुछ खरीदते हैं स्टोर से, ये चीजें हैं यहाँ पर देखो। ये रहे भैया फूल वाले, ये फूल वाला है, यहाँ पर भी तुम लोगों ने वो क्लिप देखा होगा जिसमें थकेश भाई रहते हैं और निश्चय भाई रहते हैं, फूल को खरीदते हैं। अंकल जी ये गुलाब किसने का दिया? मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है, इस गुलाब को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फैंस दीपक फ्रॉम कश्मीर, दीपक फ्रॉम कश्मीर। ये क्या भाई साहब, ये जो यार गुल। और अभी मैं बैक गेट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये बैक गेट है,
भाई मेरे इतने कोशिश करने के बाद भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है मेरे। और ये रहा वो सलून देखो जहाँ पे फुकरा भाई ने एक वीडियो बनाया था अपना, तुम लोग देखे होगे, वो क्लिप मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तुम आ गए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू ठाकुर। क्या नाम है? पप्पू ठाकुर। भैया का नाम है पप्पू ठाकुर और ये भैया यहाँ पर काटते हैं 20 रुपए के बाल काटते हैं। बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और भाई बड़ा रिस्की काम लग रहा है मेरे को ये। चलो पहली कैंची लगते हो जहाँ पे उनने वीडियो बनाया था। तुम लोग बताओ मुझको क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आठ अंकल कह रहे थे घर पे है नहीं और कहीं सच कह रहे हो कि घर पे ना हो, क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। क्या पूछने का भी हिम्मत नहीं हो रहा मेरा तो, जिस हिसाब से मना कर रहे हैं ना मेरा पूछने का हिम्मत तक नहीं हो रहा। मैं निकल रहा हूँ अब मेट्रो पकड़ने के लिए और वहाँ से निकल जाऊँगा डायरेक्ट घर। भाई मन दिल टूट गया मेरा, ठीक है गार्ड साहब ने अब पता नहीं मना करके रखा होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे पर मैं अकेला ही था, मेरे को जाने ही नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा लग रहा था कोई दुश्मनी हुई है मेरे से, पर जाने नहीं दे रहे थे। कोई बात नहीं भाई, अगर तुम लोग को वीडियो सही लगा तो एक साथ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर और भाई उनसे मैं मिल नहीं पाया, पता नहीं ऐसा कारण हुआ कि गार्ड अंदर जाने ही नहीं दिया हमें, तो इसीलिए हम उनसे मिल नहीं पाए। और ब्लॉग अगर बढ़िया लगा आप लोगों को तो एक साथ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन ब्लॉग के साथ और एक ट्राई हम कर सकते हैं मे बी फ्यूचर में उनसे मिलने के लिए। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।